तो जी हाँ भाई और बहनों, कैसे आप सभी। मैं हूँ अमल और आज हम बताने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ अर्थ। तो आपको पता होगा हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। वो तो आज हम ये यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ, वो भी हमारा अपना हमारा। तो एक दिन हमारा सन बॉर्न हुआ और बॉर्न होने के साथ ही सारे जगह पर डार्क हुआ करता था वो बॉर्न होने से पहले। तो बॉर्न हो गया तो सारी जगह पर लाइट आ गई, सन जिंदा हो गया और हमारा सबसे पहला प्लैनेट था अर्थ और उसमें लाइफ साइकिल था। हमारा पहला लाइफ साइकिल था डायनासोर। डायनासोर एक ऐसा जीव है वो हमारा हमें खाता तो है और हमें वो बड़ा है और बड़ा होने के कारण वो सबसे बड़ा है और डेंजरस होता है। तो भाइयों और बहनों, उस समय पर जब सन जिंदा हो गया, जब मीटियोर्स हम शावर होते थे हमारे ऊपर, जब पहला मीटियोर शावर हुआ तब डायनासोर मर गए। मरने के कारण हमारा आइस एज वो भी होने वाला था। तब हमारा वो एक टुकड़ा हमारा मून बनकर मून ने रिवाइव किया। रिवाइव करने के बाद हमारा लाइफ साइकिल, ह्यूमंस का लाइफ साइकिल जिंदा हो गया। सबसे पहला लाइफ साइकिल था बंदर, जैसा कि मैंने कहा था। हमारा सबसे सबसे पहला लाइफ साइकिल था डायनासोर, बट असली में हमारा लाइफ साइकिल था बंदर। तो बंदर से हम टेक्नोलॉजी वो ये सारे चीजें नहीं आते हैं। तो हम हाँ, धीरे धीरे चलकर वो सब वेपन्स वगैरह वगैरह और काना बावीना ये ऐसा है। तो ऐसे ही हमारा बंदर वाला देश खत्म होता है। वह बंदर में कोई फीमेल या लड़की नहीं होता है। पर हमारा लाइफ साइकिल आगे आगे होता है। जब हमारा लाइफ साइकिल पूरा होता है, जो कि हमारा मेल है, जब पूरा होने के कारण हमारा फीमेल आता है। फीमेल का मतलब है ये गोरिला गर्ल है। सबसे पहला गर्ल होने के कारण तो लड़की हमेशा वो गर्ल होने के कारण वो लड़की बनती है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे चलकर तो हमारा घर बन जाता है, वो भी लड़की लड़क ये वुड ऐसे ऐसे बनकर वो हमारा बन जाता है। तो ऐसे ऐसे आगे जाकर हमें टेक्नोलॉजी ये सब तो पता होगा, पर उन्होंने सबसे पहला डेंजर देखा वो है मॉस्किटोस। मॉस्किटोस के पास एक मलेरिया था। मलेरिया सबसे पहला वायरस था जो कि वो स्प्रेड होता था। जब स्प्रेड होने के कारण हमारा बंदर वाला देश का वो साइंटिस्ट ने जुगाड़ कर दिया था। उस साइंटिस्ट ने हमारा उस मलेरिया का चीजें वो बनाकर ऐसे चीजें बनाकर उन्होंने वो मलेरिया का ऐसा ऐसे उन्होंने मलेरिया का दवा ढूंढ दिया। इसीलिए हम लोग अभी भी जिंदा है। धरती साइंटिस्ट कहते हैं धरती कभी भी एंड नहीं होती, पर हम बहुत टेक्नोलॉजी होने के कारण ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा आउटर स्पेस यूनिवर्स बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो हमारे उसके बाद हमारा सबसे पहला जनरेशन आता है फोन का। तो आपको पता होगा फोन के कितने यूजेस है ऐसे वगैरह वगैरह। आप फोन से तो आपको पता है और टेलीफोन भी पता था। उस समय में फोन था सबसे सबसे पैसा वाला चीज और हमारा टेलीफोन था। टेलीफोन हमारा सब कुछ नहीं है, हम कांटेक्ट ऐसे करते हैं बस, हमें वो पता नहीं चलता है कौन बोल रहा है। तब हमारा नेक्स्ट जनरेशन आता है कार का। कार में हमारा जनरेशन हमेशा हमें पैरों का हम चलते हैं वगैरह वगैरह, पर वो सब छोड़ कर हमारे पैरों को कुछ रेस्ट मिलता है। इसीलिए कार का जनरेशन और हमें फोन भी मिलता है, टेलीफोन तो चोर दिया है। इसीलिए वो किस लिए है कि जो कि चोर है वो हमें इजीली हमें हमारा पैसे वगैरह वो ले सकते हैं। इसीलिए हमें फोन मजबूरी से ऐसे लेना पड़ा। तो
अब आप हमें देख सकते हैं। तो आपको पता होगा फोन कार कितना अच्छा होता है, पर कार के लिए कार है हमारा आज का सबसे अच्छा चीज, वो सारे लोग को जाता है। पर कार होने में यह बहुत डेंजर है। सबसे पहला, आपको कार चलाना आना चाहिए। दूसरा, कार में हमारा पोल्यूशन होता है, सो इसीलिए पोल्यूशन के लिए हमारा साइकिल आता है। साइकिल वैसे भी अच्छा होता है, पर हमें तेजी से ऐसे चलाना पड़ता है, वो हमारे हेल्थ के लिए वो भी अच्छा है, कार हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है। इसीलिए हमारा ऐसे जनरेशन जनरेशन बढ़कर जनरेशन के हमारे फूल जने पूरा जनरेशन बनता है। पर साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जब हमारा डायनासोर का जीव खत्म हो गया, वो आइस आइस का जी आइस का नाम जगह पर वहां पर जिंदा हो जाता है, वहां पर सारे वायरस का जैसे कि मलेरिया कोरोना वायरस ऐसे ऐसे वायरस को वहां पर मिल जाता है। जब साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया तब बहुत बड़ी मुसीबत आई। वहां पर एक बैग था, वो बैग को ऐसे ही हमें वो भी आइस बैग था, उसने वहां गलती से गया और उसको वो दर्द होने के बाद वो कोरोना वायरस के कारण वो चाइनीज में चला गया। और चाइनीज में चलाने के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि वो अच्छा बैट है, तो उनको सबसे अच्छा मील है कि चाहे वो बैट बैट स्नेक ऐसे ऐसे चीजों को खाते हैं, ये बहुत अच्छा नहीं होता है, आप ऐसा मत कीजिएगा। तो उन्होंने वो भी खा लिया, तो उनको कोरोना वायरस मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे, हाँ, उनको कोरोना वायरस कैसे मिला हुआ? दरअसल कोरोना वायरस उस बैट में बैट का सारा माले वो सारा डिजीज़स हमारे ह्यूमंस का डिजीज़स मिलकर कोरोना वायरस बन जाता है। और आप सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने पहले ही कोरोना वायरस कहा था, तो वो किस लिए? दरअसल बात यह है कि बैट का एक और वायरस है, हिपा वायरस, वो एक तरह का वायरस बनता है, इसीलिए उनको मिलता है कोरोना वायरस। और अभी वर्ल्ड पूरी दुनिया एक तरह से घबरा रही है क्योंकि सारे देशों में वो कोरोना वायरस सामने आ गया है। तो आप प्रार्थना कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करिए, तो आपको पता चलेगा क्या क्या हमने वीडियो दे देंगे, तो आप ये भी देख लिया। तो चलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।